हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं फेवरेट चैनल ए टू जेड कंटेंट। दोस्तों, बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट किया, हालांकि इस टॉपिक पे जैसे कि थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम डीलरशिप बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं कि डीलरशिप आप कैसे लेंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किया क्योंकि पिछली कई वीडियो इस पे ऑलरेडी बनी हुई। अब तो बहुत लोग परेशान रहते हैं डीलरशिप लेने के लिए, क्यों? क्योंकि एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंटीरियर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। आप 1,00,000 रुपए 50,000 से भी डीलरशिप शुरू कर सकते हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डीलरशिप बिजनेस, और पार्ट टाइम पे बेस पे भी कर सकते हैं और फुल टाइम बेस पे भी कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया काम होता है डीलरशिप बिजनेस। अब डीलरशिप बिजनेस कैसे ले, जो नए लोग होते हैं जो बिजनेस को करने के लिए अभी शुरुआत करने के लिए सोचते हैं उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि डीलरशिप लिया कैसे जाए। ठीक है भाई, जो लोग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, बट नए जो सोचते हैं कि हम कुछ व्यापार में एंट्री करें तो डीलरशिप लें। अब डीलरशिप अलग अलग कैटेगरी में होता है, जैसे कि फूड कैटेगरी में अगर हम बात करें तो खाने पीने की बहुत सारी कंपनियां होती है जो डीलरशिप प्रोवाइड करती हैं कि आप अपने एरिया के होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करेंगे। ठीक है, बदले में जो भी कंपनी का मार्जिन, तो हर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे खाने पीने की बात करें तो बिस्किट में 8 से 10 कंपनियां होंगी जो कि ब्रांड है, हर जगह दिखता होगा। मैगी में 8 से 10 कंपनी होगी, तेल में होगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जिनकी कंपनियां हैं और सभी डीलरशिप देती हैं मार्केट में, एक एरिया देती हैं कि इतने एरिया में आप होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटे अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन डीलरशिप ले कैसे? नए लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोचेंगे कि पहले ले कैसे। देखिए, लेने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आप जो ब्रांड कंपनी, जैसे अगर आप पार्ले का, प्रिया गोल्ड का, ब्रिटानिया का बिस्किट की लेने चाहते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का लेना चाहते हैं, पीएनजी का लेना चाहते हैं, डाबर का लेना चाहते हैं, इमामी का लेना चाहते हैं, ठीक है, फॉर्चून वगैरह का लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की जो ब्रांड कंपनियां हैं उनकी वेबसाइट है। आप सभी लोग जानते हैं गूगल पे कि www.parle.com पे जाएंगे या parle.in पे जाएंगे या हिंदुस्तान यूनिलीवर के वेबसाइट पे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट होगी, जब भी आप गूगल पे डालेंगे तो सबसे पहले वो साइट रैंक करेगी। ठीक है, जो कि जेन्युइन होगा, आप खोलते ही जान जाएंगे कि हाँ ये साइट जेन्युइन। आप किसी भी साइट पे जाइएगा, ब्रांड कंपनी का हर कंपनी का वेबसाइट है, गूगल पे लिस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप उस पे जाइए और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में कॉन्टेक्ट अस का आपको ऑप्शन मिलेगा या कंपनी को मेल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप मेल भी कर सकते हैं कि हम फला एरिए, फला डिस्ट्रिक्ट, फला स्टेट के रहने वाले हैं, हमें रिक्वायरमेंट है डीलरशिप की। ठीक है, उधर से कंपनी आपको कॉन्टेक्ट करती है अगर उसे डीलरशिप बनाना रहता है, या फिर आपका नंबर उनको दिया जाता है जो आपके क्षेत्र में डीलरशिप बनाने का काम करते हैं, क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं अलग अलग विभाग में, अलग अलग क्षेत्र में वो लोग काम करते हैं और उसी क्षेत्र में डीलर देते हैं और डीलर से पेमेंट लगा के ऑर्डर वगैरह जो भी काम होता है, प्रोसेस होता है, वो करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ले सकते हैं। अब इसमें समस्या ये होती है कि ब्रांड कंपनी का पहले से कोई ना कोई ऑलरेडी डीलरशिप लिया हुआ है पूरे देश में, क्योंकि भाई अब मान लो पार्ले का आपको लेना है तो पार्ले आज 100 साल से बिक रहा है, तो कोई ना कोई लिया ही है। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि इसका बिकता है। ठीक है, कोई ब्रेड वाली कंपनी है, कोई बिस्किट वाली कंपनी, कोई नमकीन वाली कंपनी, कोई चिप्स कुरकुरे वाली, कोई चॉकलेट वाली कंपनी है। ठीक है, कोई मैगी वाली है, कोई तेल है, कोई रिफाइन है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब आप दूसरा ऑप्शन क्या है डीलरशिप लेने के लिए? सबसे पहले जो नए लोग होते हैं उनको कम पैसे में शुरू करना है और ब्रांड उनको मिलता नहीं, क्योंकि ब्रांड भी हमेशा एक्सपीरियंस बंदे को देता है और ब्रांड में पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। जिन जिन कंपनियों को मैंने नाम लिया है, इसका डीलरशिप लेने के लिए मिनिमम 10,00,000 से लेकर 50,00,000 रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। इसके बाद जीएसटी नंबर, फूड लाइसेंस, टीन नंबर, अपना करेंट अकाउंट, आपके पास गाड़ी वगैरह होना चाहिए क्योंकि आप माल पहुंचाएंगे कैसे। ठीक है, लेकिन शुरुआत में अगर आप कम पैसे, जैसे 50,000, 1,00,000, 2,00,000 में शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोकल कंपनी का प्रोडक्ट बेच के शुरू करेंगे और धीरे धीरे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो बड़ी कंपनी भी आपके पास खुद चल के आएगी। जैसे वो आपके एरिया में अगर काम कोई छोड़ता है जो कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो आपके पास भी आएगी। तो लोकल में कैसे करें? देखिए, आप किसी भी सिंपल तरीका समझिएगा, इस चीज़ को वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी भी होलसेलर के पास आप जाइए और दूर बैठ के वाच करिए। बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऑर्डर लेने आते होंगे कंपनी का, या फिर कंपनी की गाड़ी आती है जो माल उतारती है। सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे वो दुकान से निकले उससे आप बात करिए कि सर हमको आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहिए, या जो कर्मचारी है उससे, माल पहुँचाने वाला जैसे गाड़ी वाला है, कभी कभी मालिक भी आता है, कभी कभी कर्मचारी भी रहता है, तो वो आप पता कर लीजिएगा किस कंपनी का है। ठीक है, ऐसे लोगों से मिलेंगे ना तो वो आपको जो कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, एरिया मैनेजर के पद पे काम करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, उनसे जब आप मिलेंगे तो वो अगर अपनी कंपनी का नहीं दे पाएंगे तो बहुत सारे लोग उनके परिचय के होते हैं, वो लोग खुद सजेस्ट करेंगे कि चलिए ठीक है, इसका तो हमारे पास ये डीलर लेके काम कर रहा है, फलाना डीलर लेके काम कर रहा है, तो अभी तो नहीं जगह है, लेकिन एक कंपनी है उसका मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उनसे बात करके मिलिए। एक कंपनी का काम आपको शुरू करना है, चाहे जैसे करें, चाहे जितनी भी परेशानी, एक कंपनी का काम आपने शुरू कर लिया
या फिर जो पहले से डीलरशिप का काम कर रहा हो आप जानते हो उससे आप जाके मिल लीजिए और बताइए भाई कोई कंपनी आपके पास आती है जिसका काम आपको नहीं करना है तो आप हमारा नंबर दे दीजिएगा, हमको काम करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि जो डीलरशिप का काम करता है उसके पास बहुत सारी कंपनियां जाती हैं कि हमारा भी ले लो, हमारा भी ले लो, ठीक है, इतना लगाना है, इतना लगाना है, क्योंकि उनको भी पता है कि ऑलरेडी डीलरशिप का काम कर रहा है दो तीन कंपनियों का, तो एक दो कंपनी का और बढ़ा लेगा तो मेल भी बढ़ जाएगा और डीलर जो काम करता है उसको भी अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को होता है तो एक ही दुकान पे अगर अब मान के चलिए कि कोई 5 कंपनी का काम कर रहा है और 5,000 का आर्डर आया तो 5 कंपनी से, तो 25,000 का आर्डर एक दुकान से आ गया। अब उसको जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो तो उतना ही लगना है, तो कितना अच्छी बात है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो 500 कंपनी का, 30 कंपनी, 10 कंपनी, 12 कंपनी, इस तरीके से जैसा जिसका पूंजी और वर्क करने की तरीका है उस पर वो लोग काम ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हैं। तो इससे आपको पता करना है कि डीलरशिप ऐसे ले, और किसी भी कंपनी का आपने शुरू कर दिया फिर इसके बाद जैसे ही 2-3 महीने आप वर्क करेंगे आपके पास खुद बहुत सारे कंपनियों के एजेंट आना शुरू हो जाएंगे कि इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए। फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा हम बेच सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा मार्केट में डिमांड है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा चल रहा है। क्योंकि आप जब लोकल कंपनी का लेते हैं तो कोई आपको एडवांस नहीं पे करना पड़ता है, जितना अमाउंट आप देते हैं उतने अमाउंट का आपको माल आ जाता है। लोकल में फायदा ये भी रहता है कि कभी कभी आपको जैसे 50,000 का माल लिया तो 60,000 का भी दे देता है, 10,000-20,000 रुपये आपको अलग से दे देता है, चलो एक हफ्ता दो हफ्ते में आप दे देना क्रेडिट पे, जिससे आप मार्केट में बेच के अपना माल दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। कितने लोग चलाक, मतलब बहुत मार्केट जिनके पास है कि बेचने की कला है, वो उधार उधार डिस्ट्रीब्यूशन से माल लेके सिर्फ उसका जो लेन देन का तरीका वो बढ़िया होता है। तो समझ लीजिए बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो 50% क्रेडिट या पूरी क्रेडिट पे दे देती हैं एक समय कि एक हफ्ते 10 दिन के लिए हम दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई उसको भी अपना माल बेचना है, सुपर को भी अपना माल बेचना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर अच्छा माल बेचने वाला मिल जाए उसको, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन आपका जो लेन देन है वो बढ़िया होना चाहिए। अगर लेन देन बढ़िया है तो कोई भी आपको देने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अच्छा प्रॉफिट जो है वो हर कंपनी का अलग अलग, किसी को किसी कंपनी में आपको 5% प्रॉफिट मिल सकता है, किसी में 8% मिल सकता है, किसी में 10% मिल सकता है, किसी में 15% भी मिल सकता है स्नैक्स नमकीन वगैरह जैसी कंपनियों में, ठीक। तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं अपने घर पे रह के पार्ट टाइम बेस पे भी, फुल टाइम बेस पे भी, ठीक है। और क्या जानकारी चाहते हैं इस वीडियो में कमेंट आप जरूर करिएगा कि इससे रिलेटेड और क्या जानकारी आप चाहते हैं, क्या ये जानकारी आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो अच्छी है, ना ही समझ में आई तो क्या नहीं समझ में आई जिस पे हम वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।